हथियार के कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार व कारतूस भी बरामद। बक्सर की पुलिस ने इटाही थाना क्षेत्र के लोधास गांव से हथियार की तस्करी करने के आरोप में गोलू सिंह नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के घर से पुलिस ने एक राइफल, एक देसी कट्टा तथा कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को SDPO गोरखराम ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाध्यक्ष को गुप्त रूप से सूचना मिला था कि लोधास ग्राम के गोलू सिंह साकिम लोधास थाना इटाढ़ी अपने घर में हथियार छुपा के रखे हुए हैं, जो हथियार का कारोबार करते हैं। इस पर उनके द्वारा छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुवनी लाल राहुल थानाध्यक्ष इटाढ़ी, पुवनी लाल बाबू सिंह, सहनी महेश्वरी कुमार और सशस्त्र बल के लोग थे जो छापामारी किए। तो उनके घर में जो पलंग होता है उसके अंदर में छुपा कर रखा हुआ एक 315 बोर का देसी राइफल, दूसरा 315 बोर का एक देसी कट्टा, 315 बोर का 10 जिंदा कारतूस और 12 बोर का 2 कारतूस बरामद हुआ है।